ओथ लेते वक्त मेरा प्रेसिडेंट भी बीमार हो जाता है, यहाँ से मेरा दोस्त वो उमर वो भी बीमार हो जाता है, अस्पताल चला जाता है, और यहाँ मैं देखा कोई किसी पॉलिटिशियन पे केस बनता है वो भी बीमार हो जाता है। ये हमारा एक ट्रेंड जो है ना, इसको हमने चेंज करना है। आपका सदर भी पॉलिटिशियन है और आपका गवर्नर भी पॉलिटिशियन है। बिल्कुल नहीं जी, मिनट, पॉलिटिशियन का बीमार होना मुझे समझ आता है, लेकिन ओथ लेने के लिए प्रेसिडेंट का और गवर्नर का बीमार हो जाना जाना मेरे ख्याल से ये इतनी बड़ी जिल्लत की बात है इन दो ओहदों के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जिम्मेदारी निभाने की बजाय आप जाके बिस्तरों पर लेट जाएं। एक दो घंटे के लिए जाता है, एक चार चौदह शुक्र है सर, मुझे तो उनके बारे में अच्छी खबर नहीं मिली थी। आई एम थैंकफुल टू गॉड के वैसे बात नहीं है जी, माशाल्लाह इज ओके, ही वाज नॉट वेल। इफ्तिखार साहब, मैं समझता हूँ कि शायद ये मुनाफकाना रवैया है आपकी। बात ऊंची आवाज में कह रहे हैं, मुनाफकाना रवैया ऊंची आवाज में सुनाई दे रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जिस तरह सुनाते हैं उस तरह सुनाए। इफ्तिखार बुखारी साहब, ये मुनाफकाना रवैया, एक तरफ आप आइन और कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बनाना चाहते हैं, मुल्क के हमदर्द बनना चाहते हैं, दूसरी तरफ आपको पता चाहे वो मुनहरफ राकीन की मदद से चीफ मिनिस्टर बना है, तो बात यह है उन्होंने आपके खिलाफ तो वोट दे दिया ना, अगर उनके नंबर पूरे तो आपको हलफ लेना चाहिए। और उसके बाद आपका कंसर्न इसलिए भी नहीं बनता, आप ही के सदर ने सुप्रीम कोर्ट गए हुए, तो आप इंतजार करें उस पर भी किसी दिन बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी माशाल्लाह, वैसे कुछ कहना नहीं चाहता कि ईद के बाद हेरिंग रख दी कि कितना इंपॉर्टेंट इशू है, उस पे सुनना चाहिए था। हमारा टाइम सारा निकल गया, इस पे वो हमजा पे बात करनी थी हमने, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड करेंगे। एक ग्रुप में मुझे कहा गया कि आप जिस आदमी के बारे में कह रहे हैं उसका आपने नाम भी लिया है, कि आप उसको जानते भी हैं, वो कितने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, फिर क्या करें जी। बिल्कुल सीनियर जर्नलिस्ट हैं, होंगे, उस हवाले से हम उनका एहतराम करते हैं, लेकिन ये मामला ज़ेर बहस नहीं था कि वो सीनियर हैं या नहीं। आप कॉमेंट कर रहे हैं उनके जो जो उन्होंने ट्वीट किया। अभी एक मिनट में ब्रेक हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि हम आगे जाएँ कि जो हमने हमजा पे बात करनी थी कि क्यों नहीं हुआ, इसका प्रोलॉग मैं भी आपको दे देता हूँ छोटा सा बिफोर द ब्रेक, के 4 बजे प्रेसिडेंसी ने, 4 बजे तक जब हल्फ उठाना था, कोई इंटीमेशन नहीं आई, 5, 6, 7 तक इंटीमेशन कोई नहीं आई, अब वो मुलतवी हो गए। अब द क्वेश्चन अराइज, इट डजंट मैटर कि जो इसके जो इंटीरियर आप कह लो कि जो जो भी इसके प्रॉब्लम्स हैं, मैं देखता हूँ हमेशा फ्रॉम एन इंटरनेशनल परस्पेक्टिव कि मैं अपने इदारों को किस तरह देख रहा हूँ। गवर्नर जो होता है वो प्रेसिडेंट का रेप होता है। अब सेनेट के चेयरमैन ने आना था, गवर्नर हाउस लाहौर में कोई इंटीमेशन नहीं आई कि जी ये होना है नहीं होना है, और यू नो वी मूव ऑन। कईयों ने फिर वो उसके अंदर वो डाल दी थेरी कि जी प्राइम मिनिस्टर भी नहीं आए। पीजे, 12 करोड़ अवाम पे कोई बंदा ही नहीं है। जिन इदारों की तरफ आप बात कर रहे हैं उन इदारों से पूछ कुछ करने वाला भी कोई नहीं, उनका वाली वारस ही कोई नहीं है। इसलिए बेहकूमती काम चल रहा है और कोई पूछगिछ करने वाला नहीं। यही सी बात की तरफ तो मैं जा रहा था कि ये कौन सी आप मुल्क के साथ हमदर्दी या मुल्क के साथ या आईन के साथ वफादारी निभा रहे हैं कि अपनी ही पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए, अपने ही एजेंडे को हाईलाइट करने के लिए आप इसको खेल या खिलवाड़ कर रहे हैं। आप भी बोले कोई थोड़ा सा। देखिए गुजारिश ये है कि बात तो जावेद ठीक कर रहा है, उसका अपना एक स्टाइल है कहने का।